एशियन गेम्स में रिले स्पर्धा में भारत की चांदी ही चांदी हो गई। जी हाँ, मेरे साथ हैं आरोग्य राजीव जी और ये दो सिल्वर मेडल जीत कर आए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर हम बात करें जो ये आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती थी एशियन गेम्स। ये तो बहुत बड़ा कंपटीशन था और बहुत टफ भी था। इसके लिए हम लोग को एक साल प्रैक्टिस किया है, बहुत मुश्किल था। ये इसमें हम लोग का बेस्ट टाइमिंग, लाइफ बेस्ट रिले में बेस्ट टाइमिंग भी किया है और अच्छा जीतने के लिए बहुत खुश भी हुए, बहुत खुश हुए। और अगर हम बात करें तो आपने जैसे कह रहे कि एक साल से आप इसके लिए ट्रेनिंग ले रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो दिन में कितने घंटे आप इसके लिए प्रैक्टिस के लिए देते थे? हम लोग दिन में तो 7 घंटे प्रैक्टिस करते थे, सुबह भी और मॉर्निंग शाम को मिलके 7 घंटे प्रैक्टिस तो करते। जी जी। और क्या बाहर भी, भारत से बाहर भी आप लोग गए ट्रेनिंग वगैरह के लिए? हाँ, हम लोगों का AFM में इस बार हम लोग का बहुत हेल्प किया है और हम लोग पोलैंड भी और चेक रिपब्लिक भी गया है, वहाँ क्लाइमेट के लिए उधर गया है और प्रैक्टिस भी बहुत बहुत अच्छा हुआ है उधर। और अगर हम एशियन गेम्स की बात करें तो शुरुआत में थोड़ा सा देखने को मिला था कि टफ होता जा रहा है मुकाबला, लेकिन किस तरह से आप लोगों ने इन चुनौती पर पार पाए? हम लोगों का एशियन गेम्स, पहले एशियन गेम्स का इक्वल करके देख ले तो इस बार बहुत अच्छा मेडल जीता है, लेकिन हम लोगों का स्ट्रांग नहीं है, हम लोगों का भी ऐसे स्ट्रांग नहीं है भी बोल सकते, हम स्ट्रांग होम भी बोल सकते, सब इक्वल कंपटीशन है, लेकिन हमको दुनिया का, हमारा कंट्री का कुछ करना है तो हम लोग का दिल से कुछ लड़ाई तो करना है, और अब अगला टारगेट क्या है आपका? हमारा अगला टारगेट, हम तो अभी 301 भागा है, 328 और 229 भागा तो ओलंपिक्स में मेडल जीत सकते हैं, हम लोग उसके लिए टारगेट रखेंगे। और आज आप लोग प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं, क्या संदेश दिया है प्राइम मिनिस्टर ने आप लोगों को? प्राइम मिनिस्टर हमको बहुत अच्छा मोटिवेशन बात किया है, वो मोटिवेशन बात को हम लोगों का भी और मिनिस्टर भी बोला है, हम आपका आपका साथ है, आप कुछ भी हेल्प भी पूछ सकते हैं, हम कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल हो, कुछ भी नुकसान आ गया तो भी हमारे पास बोल देना, हम सब कुछ ठीक कर देंगे बोला है। तो मतलब प्रधानमंत्री ने सरकार ने आप लोगों को पूरे समर्थन का भरोसा दिलाया और आप जब से मेडल जीत कर आए हैं पूरी एक तरह से दुनिया बदल सी गई आप लोगों के लिए, आप एक सेलिब्रिटी हो गए, ये अनुभव आप लोगों को कैसा लग रहा है? मैं 2014 में एशियन गेम्स में भी मैं ब्रांज मेडल था, अभी भी 2018 में 2 सिल्वर मेडल जीत गया है। इस तो हम लोगों का दुनिया भी गया तो बहुत अच्छा है, रेस्पेक्ट बहुत देते हैं और हम लोग को सेल्फी भी मांग देते हैं और हम कहीं भी गया तो हम लोगों का रास्ता भी अच्छा मिल रहा है। जैसा कि आपसे बात करके लग रहा है कि एक कहावत पहले थी, लोग कहते थे कि आप खेलो मत, पढ़ाई पर ध्यान दो, तो आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि पढ़ो भी लेकिन खेलो भी, क्योंकि खेलों में भी भविष्य है। या बहुत बहुत है, मैं तो 12th तक पढ़ाई हुआ है, मैं कॉलेज अच्छा नहीं है, मैं 12th में भी मार्क बहुत कम है और विलेज से आया है, खाना पीना वो तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम तो दिल से बहुत मुश्किल से और बहुत ऐसे प्रैक्टिस किया है, उसमें अभी मुझे अच्छा जॉब मिला है, आर्मी में भी अच्छा जॉब है और उसके बाद हम लोगों का भी कोई कुछ लेना देना ऐसे कुछ कोई बोलना वाला ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन हम देश के लिए कुछ करना है तो हम भी हार्ड वर्क करना है। और जैसा कि आपने बताया कि आप एक साधारण परिवार से आए हैं और खासकर शुरुआती दिनों में आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब आप खेल की दुनिया में कदम रखना चाह रहे थे, जाहिर सी बात है पैसे की कमी रही होगी, तो क्या चुनौतियां थी उस समय आपके सामने? ऐसे हम लोगों का बहुत मुश्किल से प्रैक्टिस किया तो भी हम लोगों का प्लेटफॉर्म नहीं मिलते और आगे आने के लिए उसके लिए हम क्या करना पड़ता है कुछ तो हम लोग का अभी 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 एग्जांपल तो मैं जूनियर से प्रैक्टिस किया है, उसमें हम लोग का खाना नहीं चाहिए, मेरा कोच ने बोलेगा इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना प्रैक्टिस का वो प्रोटीन्स विटामिन हमारे बॉडी के अलावा और भी चाहिए, आपका उतना अच्छा नहीं इसलिए परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, ऐसे बोलेगा वो। फिर आर्मी आने के बाद हम लोगों का अच्छा से फ्रूट दे दिया और इंक्रीज भी किया है, इसलिए नेशनल तक आ गया था, उसके बाद इंडियन कैंप आ गया था, इंडियन कैंप में बहुत टेक्निक और के और कैसे भागना है सब सीखा है, इसलिए हम लोग का एशियन गेम्स और ओलंपिक तक पहुँच पाया था। देखा आपने के आरोग्य जी ने हमें बताया कि किस तरीके से जब ये ग्रामीण पृष्ठभूमि से खेलों की दुनिया में आए, इनके सामने संकट था कि वो किस तरीके से जो प्रोटीन और जो शरीर के लिए जरूरी चीज़ें हैं वो उनको नहीं मिल पाती थी, भारतीय सेना के साथ जुड़े, भारतीय सेना ने इनकी पूरी मदद की और आज ये इस मुकाम पर हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगामी खेलों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।